नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वैकेंसीज़ एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। अलग अलग पोस्ट इसमें आप पे शामिल की गई। आप सभी को बताना चाहता हूँ, इसमें स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी, साथ ही साथ मिडवाइफ की पोस्ट भी इसमें यहाँ पे रहने वाली है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अटेंडेंट और भी अन्य पद इसमें आप पे शामिल कर लिए गए। नंबर ऑफ वैकेंसी आप पे डिस्कस कर लेता हूँ तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, 35 से भी ज़्यादा पद इसमें आप पे रहने वाले हैं। इसमें मेल, फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इन वैकेंसीज़ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, बिल्कुल आप सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, BECIL द्वारा एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जारी किया गया। अभी हाल ही में ये जानकारी ऑफिशियली आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई जा रही। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और ऑल इंडिया वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को आप पे क्लिक करें। हर वैकेंसी का अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं वैकेंसी टेबल की ओर। तो दोस्तों, वैकेंसी टेबल में पहली जो पोस्ट यहाँ पर जो शामिल की गई, टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर रहेगी। MD होना इसमें आपका ज़रूरी है और MSO मीन्स आपको यहाँ पर कंप्यूटर की भी नॉलेज रहना चाहिए। 35 साल उम्र इसमें आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई। 50,000 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलेगी। इसमें दोस्तों एक पद यहाँ पे रहेगा। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के 20 पद यहाँ पर शामिल कर लिए गए। BSc नर्सिंग वाले सभी कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम का, या फिर आपके पास MSc नर्सिंग है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम का, और यदि आपके पास GNM का डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पे 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम का। तो BSc, MSc और GNM वाले सभी कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल उम्र इसमें आप लोगों के लिए रखी गई। 37,500 रुपये ये बेहतरीन सैलरी पैकेज आप लोगों को पर मंथ बेसिस पे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, नर्स की और वैकेंसी है तो मिडवाइफ की पोस्ट यहाँ पर रहेगी। एक ही पद है इसमें। BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई करें, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा है। MSc नर्सिंग कैंडिडेट 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और GNM जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोग आवेदन कर पाएंगे। 45 साल उम्र इसमें आप लोग के लिए यहाँ पर रखी गई। 37,500 रुपये ये पर मंथ बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, OT नर्स की अलग से वैकेंसी आ चुकी है और देख सकते हैं 3 पद यहाँ पे OT नर्स के शामिल किए गए, और इसमें भी सेम टू सेम BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल उम्र आपके लिए रखी गई। 37,500 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, और इसमें भी आप लोगों को एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद बढ़ जाते हैं अगली पोस्ट की ओर। तो दोस्तों, अगली जो पोस्ट है 5th नंबर की डेंटल हाइजीनिस्ट की रहेगी। 12th क्लास पास है, बिल्कुल अप्लाई करें। डिप्लोमा इसी फील्ड में आप लोगों से मांगा जा रहा है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपको किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन भी चाहिए काउंसिल का। इसमें दोस्तों 45 साल उम्र रखी गई। 30,000 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों देखिए, ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स के लिए एक पद है, ITI आप लोगों से इसमें मांगा गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 35 साल उम्र इसमें आप पे रखी गई। 20,000 रुपये सैलरी रहेगी। इसके बाद वार्ड अटेंडेंट की वैकेंसी भी आ चुकी है। इसमें 9 पद हैं, सिर्फ 8वीं कक्षा पास है, बिल्कुल अप्लाई करें। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम के अंतर्गत। 45 साल इसमें उम्र आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई, और जो भी एज पर रूल है आप लोगों को सैलरी पर मंथ बेसिस पे दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड भी अपनाना होगा और ऑफलाइन मेथड भी आपको अपनाना होगा। तो सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर दें। और दोस्तों जैसे ही आप लोग
ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्म का प्रिंट निकल के आ जाएगा और आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको एड्रेस पे भेजना भी होगा, मीन्स ऑफलाइन मोड में आप लोगों को ये भेजना होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन प्लीज़ टेक आउट प्रिंट आउट अटैच ऑल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट आउट निकल जाने के बाद आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं सेल्फ अटेस्ट स्वयं प्रमाणित करके आप लोगों को सिंगल PDF फाइल में, ये दोस्तों आप लोगों को देखिए ये ईमेल आईडी दे दी गई है। तो दोस्तों इस ईमेल आईडी पे आप लोग जो है ईमेल भेज दें। तो दोस्तों इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करें और जैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसका जो प्रिंट आउट आपका निकल के आएगा उस प्रिंट आउट को डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को और जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको ईमेल आईडी पे भेज देना है और ये आपको सेंड कर देना है। और दोस्तों जो भी आपकी सिंगल PDF फाइल जो आपकी बनेगी उस पर आप लोगों को अपनी फाइल का नाम मीन्स योर एप्लीकेशन आईडी और आपका नाम तो ये आपको मेंशन करना होगा और सब्जेक्ट में ईमेल में आप लोगों को लिखना होगा कि एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है और कौन से पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप पे कवर की, उम्मीद करता हूँ अपडेट आप सभी को मिल गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, 6 महीनों के लिए आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल इंडिया वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहेगी तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें और हर अपडेट वैकेंसी का आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।